गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी स्टडीड अबाउट लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स एंड टुडे वी विल स्टडी नर्व एंड सेंस ऑर्गन्स. हम लाइफ प्रोसेस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, कुछ एक्टिविटी किया. आज हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. ओके, तो वी आर एबल टू सेंस सेवरल टाइप्स ऑफ सेंसेशन और स्टिमुलाई लाइक हीट, साउंड, टेस्ट, लाइट, प्रेशर एंड स्मेल एक्सेट्रा. हम कई प्रकार के बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ताप, साउंड, ध्वनि, स्वाद, टेस्ट, लाइट, है ना, प्रेशर, दाब, गंध, ये सब सेंसेशन को हम फील कर पाते हैं. तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी मे एसोसिएट विथ दिस सेंसेशन. हमारे बॉडी में ऐसी क्या चीज होती, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इन जो सेंसेशन हैं, संवेदनाएं हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये ठंडा है कि गर्म है, जो साउंड आ रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, टेस्ट जो है वो बिटर है, मीठा है, नमकीन है, इस टाइप का जो है ना उस सेंसेशन, उसको डिफ्रेंशिएट करके हमको बता पाता है. तो क्या क्या हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं अपार्ट फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स लाइक द आईज, स्किन, नोज, टंग, ईयर्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. मसल्स इन एरियाज डीप इन साइड अवर बॉडी ऑल्सो हैव एरियाज दैट हैव सेंसेशन. थिंक ऑफ द बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक. हमारा जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम सेंस ऑर्गन किसको बोलते हैं, हमारा स्किन. फाइव सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं, स्किन, ईयर, कान, नोज, नाक, आंखें, आईज एंड टंग, है ना. इसके अलावा भी शरीर के अंदर के जो मसल्स होती हैं उनमें इन सेंसेशन को एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की क्षमता होती है. लाइक हमारे जो त्वचा होती है उसमें ठंडा, गर्म, स्पर्श, दबाव, दर्द जैसे अलग अलग सेंसेशन को अनुभव करने की क्षमता होती है. मोर ओवर पर्टिकुलर पार्ट में सेंस डिफरेंट स्टिमुलाई लाइक द स्किन में हेल्प टू सेंस चेंजेस इन टेम्परेचर, टच, प्रेशर, पेन एक्सेट्रा, है ना, दाब, दर्द, इन सबको जो है वो फील कर सकता है. ऑल द एरिया ऑफ सेंसेशन है सेवरल नर्व्स एंडिंग और नर्व सेल्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन. द एक्जॉन टर्मिनस ऑफ दीज में सिनॉप्स डायरेक्टली विथ डेंड्राइट और एक्जॉन टर्मिनस ऑफ दोज ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और विथ सर्टेन कनेक्टर नर्व्स. और जो सभी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, संवेदी अंग होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के भी विशेष प्रकार के जो संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है. और इन संवेदी कोशिकाओं को या तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं या फिर तंत्रिका कोशिका के एग्जाम जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था नर्व सेल्स, है ना, ये तो या तो पूरी नर्व सेल्स होती है या फिर उसका एग्जाम का जो आखिरी छोर होता है, लास्ट एंडिंग होता है, यहाँ पर पाया जाता है. इन कोशिकाओं के एग्जाम का या तो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट से या फिर डायरेक्ट मेरुरज्जु या मस्तिष्क, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन के तंत्रिकाओं के साइनेप्स से इनका जो कनेक्शन है वो रहता है. फॉर एग्जांपल दीज आर लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स इन द रेटिना ऑफ अवर आईज. एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारे आंख में, आंख के रेटिना में लाइट के सेंसेशन को एक्सेप्ट करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए नर्व्स होते हैं. द एग्जॉन ऑफ दीज सिनॉप्स विद द डेंड्राइट्स ऑफ सर्टेन नर्व सेल्स हुज एग्जॉन टुगेदर
pass to the brain as nerve fiber passing through the retina area called as blind spot. They form synapse with the nerve cells in the brain, and the axon terminus of nerve coming from the brain pick up sensation inside our nose. Due to such arrangement in our body and others, several functions go on in a coordinated manner in our body. A simple example would be, we often enjoy the taste of food when we get its flavor as well. तो हमारा जो आँख है, आँख का जो पर्दा होता है उस पर लाइट को, लाइट के सेंसेशन को ग्रहण करने के लिए, कैच करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, और इनका जो अन्य तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स के डेंड्राइट से साइनप्स होता है, और इनके एग्जॉन का जो गुच्छा होता है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है. और जैसे हमारे नाक में, नोज में स्मेल, गंध के प्रति जो संवेदी संरचनाएं होती है वो हमारे ब्रेन से चलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एग्जॉन के लास्ट एंडिंग होता है, अंतिम छोर होता है. और इन सभी व्यवस्थाओं के चलते हमारा जो बॉडी है उसके संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंगों का जो काम है, जो वर्क है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा कर, है ना, मिलजुल कर होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट का जो फीलिंग होता है वो तब होता है जब हम उस खाने के स्मेल को भी फील कर पाते हैं, तभी हमको टेस्ट भी फील होता है. इस प्रकार हमारे बॉडी के सारे जो सेंस ऑर्गन हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बिठाकर चलते हैं, और ये जो है वो ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है वो उस चीज़ को फील कर पाता है. जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस फिगर में दिखाया गया है कि इसका जो एंडिंग है सिर है नर्व्स का, है ना, एक का जो है वो दूसरे के नर्व से सिनॉप्स के द्वारा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक नर्व का एंडिंग और दूसरे नर्व का एंडिंग, ये फर्स्ट सिरा या सेकंड सिरा सिनॉप्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और एक से दूसरे सिरे तक ये जो है वो मैसेज को पहुंचाते हैं. और इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. ईट अ पिंच ऑफ फेनल सीड्स सौंफ. नाउ वॉश योर माउथ वेल एंड क्लोज योर नोज एंड ईट अ पिंच ऑफ फेनल सीड्स अगेन. इज द टेस्ट सेम इन बोथ सिचुएशन? व्हाट मे हैव बीन द कॉज ऑफ दिस? थोड़ा सा आप सौंफ, फेनल सीड्स जिसको कहते हैं, वो खाइए, और फिर सौंफ खाने के बाद अपना मुंह को धो के नाक बंद करके फिर से सौंफ खाइए, तो दोनों स्थिति में क्या स्वाद एक जैसा है? अगर अंतर है तो ऐसा क्यों हुआ है? जब हम सौंफ खा के मुंह धोते हैं फिर नाक, यानी जो नाक से बंद करके, नाक बंद करके सौंफ खाते हैं तो क्या फील होता है? पहली स्थिति में जब हमारी नाक खुली है और हम सौंफ खा के मुंह से, पानी से मुंह को वॉश करते हैं तो हमको मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, लेकिन जब हम नाक को बंद कर लेते हैं तो हमको ये फील नहीं होता. तो अभी जैसे कि हमने बताया कि हमारा, हम जो फूड गेन कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका टेस्ट तभी आता है जब उसका हमको स्मेल आता है. तो यहाँ पर भी सेम केस में सौंफ खाते हैं तो ये जो मीठापन का एहसास और इसकी जो खुशबू है, उसका जो स्मेल है, वो हमको तभी फील होता है जब हम सांस लेते हैं और उसका हमको स्मेल आ पाता है. तो आज हम इतना पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में.